अस्सलाम वालेकुम, आप मौजूद हैं थर्ड आई की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसी बातें बताएंगे जो कि पाकिस्तान की तारीख में मशहूर हैं मगर हकीकत के बरक्स हैं, और हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, पहली मिथ जो मकबूल है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। यकीनन आप भी यही जानते होंगे कि तरबेला डैम, क्योंकि हम बचपन से ही ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, और ये बात आज से 10 साल पहले तक तो ठीक थी मगर अब नहीं है, क्योंकि मंगला डैम तरबेला डैम से बड़ा डैम है। 2011 में मंगला डैम की कैपेसिटी 74 लाख एकड़ हो चुकी है, जबकि तरबेला डैम की स्टोरेज कैपेसिटी 96 लाख एकड़ थी, मगर मुसलसल मिट्टी जमा होने से कैपेसिटी कम होकर 64 लाख एकड़ फुट रह चुकी है। पाकिस्तान में रहने वाले 90% लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली गैस बलूचिस्तान से आती है, और सुई सदरन गैस के नाम की वजह से आम फहम में यही समझा जाता है कि बलूचिस्तान के ज़िला सिब्बी के इलाके सुई से आती है, जिसकी वजह से इसे सुई गैस कहा जाता है। ये बात 1980 तक तो दुरुस्त है, क्योंकि 1980 तक गैस सप्लाई का मरकज़ सुई के ज़खायर ही थे, मगर अब हकीकत मुख्तलिफ है। इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 70% गैस सूबे सिंध से निकाली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सूबे सिंध के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के इलाके शाहपुर से निकाली जाती है, और गैस की कौमी पैदावार में बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 25 से 30% है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, करारदादे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, क्योंकि 23 मार्च को ही यौम पाकिस्तान मनाया जाता है, और मुताला पाकिस्तान में भी यही दर्ज है कि 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई, जबकि दर हकीकत ये करारदाद 24 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी। दरअसल मुस्लिम लीग का ये कन्वेंशन 22 मार्च से 24 मार्च तक जारी रखा गया था। 23 मार्च को करारदाद पेश की गई थी, मगर इसकी ऑफिशियल मंजूरी 24 मार्च 1940 को हुई। दोस्तों, कुछ तारीखी कुतुब में ये लिखा गया है कि जनरल ज़िया फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में ब्लैक सितंबर में शामिल थे। जनरल ज़ियाउल्लाह के बहुत से नाकदीन का कहना है, उर्दुन में सितंबर 1970 में फ़लस्तीनी पनाह गुजीनों के ख़िलाफ़ कत्लेआम जनरल ज़िया की कमांड में हुआ, जो इस वक्त उर्दुन फ़ौज को तरबियत देने के लिए मौजूद थे। लेकिन साबिक सफ़ीर मोहम्मद तैयब, जो इन दिनों उर्दुन में पाकिस्तानी सफ़ीर थे, इनके मुताबिक 2 सितंबर 1970 को जनरल ज़िया, जो इस वक्त ब्रिगेडियर थे, को उर्दुन के बादशाह ने कॉल करके कहा कि वो उर्दुन की एक ब्रिगेड को संभालें, जो इस वक्त अरबत नामी शहर में तैनात थी। दरअसल इस वक्त उर्दुन के पड़ोसी मुल्क शाम ने फ़लस्तीनी पनागजीनों की मदद करने और उर्दुन पर चढ़ाई करने की तैयारी की हुई थी। जनरल ज़िया ने उर्दुन के शाह का पैगाम पाकिस्तानी सफारतखाने में भिजवा दिया। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुतलका हुकाम को पहुँचाया। बकौल तैयब सिद्दीकी, सेक्रेटरी खारजा ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की, मगर सेक्रेटरी दिफा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। जब तैयब सिद्दीकी ने बात के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आगाह किया, तो सेक्रेटरी दिफा गयासुद्दीन ने कहा कि उर्दुन के हाशमी शाह के सितारे आजकल बुलंद हैं, लिहाजा इनकी मदद करो ताकि बदले में पाकिस्तान को मुआशी मदद मिल सके। अगरचे तैयब सिद्दीकी हैरान रह गए कि इतने नाजुक मामले में बग़ैर किसी डील के सिर्फ उम्मीदों या सितारों की बुनियाद पर कैसे फ़ैसले किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक जनरल ज़िया ने उर्दुन की 3rd Armored Brigade की कमान संभाल ली। मगर इस दौरान शाम ने आलमी दबाव की वजह से पसपाई इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया था, और ब्लैक सितंबर में फ़लस्तीनी पनाह गुजीनों के कत्लेआम में जनरल ज़िया का कोई किरदार नहीं। दोस्तों, आम फहम में ये बात मानी जाती है कि पाकिस्तानी फ़ौज इसलिए भारत से कशीदगी बढ़ाती है ताकि दिफाई बजट बढ़वा सके। ये बात काफ़ी दहाइयों से बहुत से तबकों में ज़ेर लब बहस में आई है, और आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा इस बात को उछाला गया है, मगर हकीकत कदर मुख्तलिफ है, और कुछ मामलों में पॉजिटिव तनकीद की जगह कुछ ज़्यादा ही मुबालगा राई से काम लिया गया है।
एक तबके की जानिब से तो बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों और कशीदगी की जड़ ही पाकिस्तानी फ़ौज है, जो कभी नहीं चाहते कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हों। यह भी मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान का दिफाई बजट इसके कुल बजट का तकरीबन 17% है, जबकि भारत का दिफाई बजट भारत के कुल बजट का 16% है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज 17% बजट ले रही है, जबकि भारत की फ़ौज 16% बजट ले रही है, मगर अदाद शुमार देखे जाएँ तो भारत का दिफाई बजट 71 अरब का है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 9 अरब का, यानी भारत से 8 गुना कम, जबकि हर वक्त भारत से जंग का खदशा सर पर मौजूद रहता है। वहाँ के मौजूदा वज़रा की तरफ से पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। भारत से 8 गुना बजट कम होने के बावजूद दिफाई आदादी ताकत में टैंक, आर्मर, तोपें और एयर डिफेंस शामिल है, जो कि तकरीबन निसफ है। भारत की इफरादी कुव्वत 1.4 मिलियन पर्सनल है, जबकि पाकिस्तान की तकरीबन 0.6 मिलियन पर्सनल है। यानी अगर पाकिस्तान एक फौजी पर $1 खर्च करता है तो इंडिया तकरीबन $3 खर्च करती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी ग्राउंड डिफेंस, एरियल डिफेंस और सी डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बनाना अपने आप में बेहतरीन मैनेजमेंट का मुँह बोलता सबूत है। ये बात भी काबिले गौर है कि दिफाई बजट से बनाई गई दिफाई कुव्वत पिछले 20 सालों में कबाइली इलाकों में तालिबान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में काफ़ी हद तक सर्फ हो चुकी है। बदतर इकोनॉमिक कंडीशन, लिमिटेड दिफाई बजट एज़ कम्पेयर टू इंडिया और लिमिटेड रिसोर्सेज और कम अफरादी कुव्वत के बावजूद बेहतरीन स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान की डिटरेंस इतनी है कि 8 गुना ज़्यादा दिफाई बजट और डबल इनफरादी और आर्मर ताकत रखने वाले मुल्क भारत ने जब 2019 में ताकत के नशे में हमला किया तो इसे मुंह की खानी पड़ी और भारत अपने जहाज़ों के गिरने के बावजूद कोई भी जवाबी हमला ना कर सका। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के ये कुछ मिसकंसेप्शन थे जो कि आज की वीडियो में बताए गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।